23 अक्टूबर 2022, ये वही तारीख है जिस दिन T20 वर्ल्ड कप 2022 में भारत और पाकिस्तान के बीच वो अद्भुत मैच खेला गया था, जो मैच अपने आप में ही इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया था। और इस मैच के इतिहास के पन्ने में दर्ज होने के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण था वो थे नन अदर देन किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली। आप लोगों की याददाश्त को थोड़ा सा मजबूत करते हुए मैं बताना चाहूंगा कि उस मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए भारत के सामने 160 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसका पीछा करते हुए भारत मात्र 31 रन पे अपने प्रमुख 4 विकेट खो चुका था, जिसमें आपके रोहित शर्मा थे, केएल राहुल थे, सूर्य कुमार यादव थे और अक्षर पटेल थे। जिस वक्त पे ये मैच पूरे तरीके से पाकिस्तान की झोली में जा गिरा था, जिस वक्त पे पूरे पाकिस्तान ने मान लिया था कि अब इस मैच को भारत जीत ही नहीं सकता, उस वक्त पे विराट कोहली एक उम्मीद बनके मैदान पे टिके हुए थे, और सिर्फ टिके नहीं हुए थे बल्कि सेकंड दर सेकंड मैच को आगे लेके जा रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी ये करना इतना ज्यादा मुश्किल था कि जब तक मैच असल में खत्म नहीं हो गया तब तक किसी को यकीन भी नहीं हुआ कि इस मैच का ये नतीजा भी निकल सकता था। क्योंकि एक वक्त मैच में ऐसा भी था जब भारत को जीतने के लिए 18 बॉलों पे 48 रनों की जरूरत थी, और वहां से विराट कोहली की 53 बॉल पे मारी गई 82 रन की पारी ने हर किसी को अचंभे में डाल दिया। वापस से दुनिया को विराट कोहली ने ये प्रूफ कर दिया कि क्रिकेट का एक ही राजा था, एक ही राजा है और एक ही राजा रहेगा, जिसका नाम है विराट कोहली। ये जीत इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण और इतनी ज्यादा बड़ी थी कि पूरे देश के साथ साथ विराट कोहली की आंखों में भी आंसू नजर आ रहे थे। और ये जो विराट कोहली के आंसू थे, ये अपने आप में ही इस बात की गवाही दे रहे थे कि इस जीत की कीमत क्या है। और देखो, आंसुओं के पीछे का सबसे बड़ा कारण ये नहीं था कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीता है या भारत वर्ल्ड कप में मैच जीता है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये था कि इस मैच से पहले का जो उनका वक्त गुजरा था वो बहुत ही ज्यादा साधारण रहा था। उनका फॉर्म धीरे धीरे उनका साथ छोड़ रहा था और दुनिया लगातार बस एक ही रट लगा रही थी कि विराट कोहली अब खत्म हो चुका है, विराट कोहली का वक्त जा चुका है, विराट कोहली अब वैसा नहीं रहेगा जैसा कि वो हुआ करता था। लेकिन विराट कोहली की इस पारी ने बता दिया था कि विराट कोहली जिंदा है। अब अगर आपको यह मैच पूरे तरीके से याद होगा तो आपको यह भी याद होगा कि उस मैच की अंतिम बॉल को फेस करने के लिए स्ट्राइक पे विराट कोहली नहीं बल्कि रविचंद्रन अश्विन होते हैं। हाल ही में रविचंद्रन अश्विन ने ICC को दिए गए इंटरव्यू में उस मैच को लेके इतनी बड़ी बड़ी बातें रिवील करी हैं, और खासकर विराट कोहली के बारे में जिन बातों को दुनिया के सामने रखा है वो आज आपको सुननी ही सुननी चाहिए। मैं वापस से आपको उस मैच की लास्ट 2 बॉलों पे ले जाना चाहूंगा, जब भारत को जीतने के लिए 2 बॉल पे 2 रन चाहिए होते हैं और स्ट्राइक पे होते हैं दिनेश कार्तिक, लेकिन कार्तिक सेकंड लास्ट बॉल पे स्टंप्स हो जाते हैं। और जब बारी आती है आखिरी बॉल की तो भारत को जीतने के लिए चाहिए होते हैं 1 बॉल पे 2 रन, लेकिन अश्विन जैसे ही अपनी पहली बॉल फेस करते हैं तो वो बॉल वाइड हो जाती है और अब भारत को जीतने के लिए चाहिए होते हैं 1 बॉल पे 1 रन। अब इसी आखिरी बॉल के दृश्य का जिक्र करते हुए अश्विन ने हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में इस बात को रिवील किया कि जब हमें जीत के लिए 1 बॉल पे 1 रन चाहिए होते हैं तो विराट कोहली बहुत ही ज्यादा डेस्परेट होते हुए मेरे पास आते हैं, अपने कदमों को धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ाते हैं और आके उस बॉल को खेलने के लिए मुझे 7-7 ऑप्शन देते हैं, मुझे उस बॉल पे खेलने के लिए ऐसे 7 शॉट्स बताते हैं जिस पे वो आखिरी रन बनाया जा सकता है। और जब विराट कोहली आके मुझे एक एक शॉट की प्रोबेबिलिटी समझा रहे थे तो उनकी आंखों में जो आग दिख रही थी, जीतने की जो ललक दिख रही थी, वो एक अलग ही लेवल पे थी। उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि ये बंदा इस मैच को जीतने के लिए इस वक्त कुछ भी कर सकता है, चाहे इससे कुछ भी करवा लो, लेकिन ये मैच तो ये जीत के
ही रहेगा। और विराट कोहली की आंखों में इस बात का भी बहुत ही भारी दुख था कि आखिरी दो बॉलों को फेस करने के लिए वो स्ट्राइक पे क्यों नहीं है। अश्विन बताते हैं कि उस एक लास्ट बॉल को फेस करने के लिए कोहली ने उस दिन ना जाने मुझे कितने बैटिंग सीक्रेट्स बता दिए, ना जाने कितनी बैटिंग ट्रिक्स बता दी, ना जाने कितने सारे बैटिंग के टिप्स दे दिए, जितना कि एक बैट्समैन अपने लाइफ टाइम में भी मुश्किल से ही जानता है। अश्विन का कहना था कि मुझे पिच पे आए हुए लगभग एक ही बॉल हुई थी, लेकिन कोहली की जीतने की जो चाह थी उसने मुझ में जोश भर दिया था और मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि मैं भी कुछ 80 रन मार के यहां पे खेल रहा हूं और इस आखिरी बॉल पे कुछ भी करके इस मैच को अब जीतना ही होगा। उस दिन मैंने एक अलग ही विराट कोहली को देखा था, ऐसा लग रहा था कि ये विराट कोहली वो विराट कोहली है ही नहीं जिसको हम पहले जानते थे, ये विराट कोहली तो एक अलग ही ग्रह से आया हुआ है। लेकिन पता है इसके बाद सबसे बड़ा कमाल क्या होता है, जैसे ही पाकिस्तानी बॉलर अपनी लास्ट बॉल फेंकते हैं तो आपको पता होगा कि रविचंद्रन अश्विन उस बॉल को मिड ऑफ पे चिप कर एक सिंगल ले लेते हैं। और ये जो शॉट असल में अश्विन खेलते हैं ये उन 7 शॉटों में से एक भी शॉट नहीं था, जितने भी शॉट्स के ऑप्शन विराट कोहली ने अश्विन को बताए थे उसमें से कोई भी शॉट यहां पे अश्विन नहीं खेलते हैं, वो अपना ही एक शॉट खेलते हैं जो उस वक्त पे उनको सबसे सही लग रहा था। अगर आपको उस मैच के बाद दिया गया विराट कोहली का इंटरव्यू याद होगा तो आपको ये भी याद होगा कि उस इंटरव्यू में विराट कोहली ये कहते हैं कि उस आखिरी बॉल के होने से पहले जब मैं अश्विन के पास गया था तो मैंने उनको बहुत कुछ बताया था कि आप इस बॉल को यहां मार सकते हैं, वहां मार सकते हैं, लेकिन अश्विन जो हैं वो मेरी बताई गई बातों से भी एक लेवल ऊपर का दिमाग लगाते हैं और वो शॉट खेलते हैं जिसके बारे में मैंने उनको सजेशन ही नहीं दिया था। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि अश्विन इस तरीके का रिस्की शॉट खेलें, लेकिन अश्विन को अपने आप पे भरोसा था और ये भरोसा ही था जिसने हमको ये मैच जिता दिया। आप लोगों के माइंड में क्या ये मैच आज भी चलता रहता है, क्या आपकी मेमोरी में ये मैच आज भी ताजा है और क्या आपके हिसाब से भी ये इंडियन हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट मैच है? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर किसी को लगता है कि कोई मैच ऐसा भी है जो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, जो इससे भी ज्यादा बेहतरीन था, तो उसका जवाब भी कमेंट में जरूर दीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक है, वहां पे चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। और सेम टाइम पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।